जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंग्रेजी शराब के साथ एक देसी पिस्तौल, 29 जिंदा गोली तथा 2 गिरफ्तार। जिले के नगर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर इलाके से देसी पिस्तौल और 29 जिंदा कारतूस के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पहले पकड़ा गया आरोपी परस बीघा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसने अपना नाम शैलेश कुमार और घर मिश्र बिघा बताया है। बताया जाता है कि शैलेश कुमार अंग्रेजी शराब तथा पिस्टल बेचने के धंधे में लिप्त था। उसकी निशानदेही पर अंग्रेजी शराब के साथ साथ पिस्टल तथा 29 जिंदा कारतूस तथा एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक युवक फरार हो गया। नगर थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा के मुताबिक युवक शहर के निजामुद्दीनपुर में रहने वाले 2 और लोगों के साथ मिलकर हथियार और शराब का धंधा करते थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले शैलेश कुमार को गिरफ्तार किया। शैलेश ने बताया कि 2 और लोग हैं जिनसे कि वे हथियार और शराब लेकर बेचता है। शैलेश के बताए गई जगह पर जब नगर थाने की पुलिस पहुंची तो एक देसी कट्टा और 29 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किए गए। वहीं इस घटना के संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं नगर थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा द्वारा संयुक्त रूप से नगर थाना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि शैलेश कुमार ने पूछताछ के क्रम में बताया कि नगर थाना क्षेत्र के ग्राम निजामुद्दीनपुर में विपिन एवं विक्की के लिए मैं शराब एवं हथियार का सप्लाई करता हूं, जिसकी निशानदेही पर निजामुद्दीनपुर छापामारी के क्रम में उसके घर से एक बोलेरो गाड़ी में रखा अंग्रेजी शराब की 12 बोतल भी बरामद की गई। वहीं उन्होंने बताया कि बोलेरो गाड़ी तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल तथा शैलेश के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी 3 पर प्राथमिकी दर्ज है, वहीं तीसरे को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर नगर थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा की तत्परता से जहानाबाद पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि किसी युवक के द्वारा लोगों को जो हथियार है और उसका जो गोली है उसकी होम डिलीवरी कराई गई। इसके सत्यापन हेतु थाना अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई किया गया तो शैलेश कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 गोली बरामद हुई। पूछताछ के क्रम में वो बताया कि उसका नाम शैलेश कुमार है, सिर बीघा थाना परस बीघा का रहने वाला है। और उसके मोबाइल की भी छानबीन की गई तो उसमें काफ़ी हथियार के और फोटोग्राफ्स और गोलियों के फोटोग्राफ्स पाए गए। अग्रतर कार्रवाई में उसके सत्यापन के क्रम में ये पाया गया कि उसने बताया कि विक्की कुमार नामक युवक जो कि निजामुद्दीन नगर में भाड़े के मकान में रहता है, वही कहीं बाहर से सारा सामान लाता है। और विक्की और उसका भाई विपिन, ये तीनों मिलकर लोगों को इसका होम डिलीवरी करते हैं। जब विक्की कुमार के घर पे रेड मारा गया तो वहाँ से 12 लीटर के आसपास ब्लेंडर स्प्राइट शराब बरामद हुई और साथ ही हथियार बरामद हुआ, और जो कि एक बुलेट में रखा हुआ था और एक बोलेरो में रखा हुआ था। इस मामले में अब तक 29 कारतूस जो विभिन्न प्रतिबंधित हथियारों के प्रतीत होते हैं उसको जब्त किया गया है। 3 गाड़ियाँ जब्त की गई, जिसमें 2 टू व्हीलर और 1 बनेरो शामिल है, और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। विक्की कुमार अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी है तो छापेमारी की जा रही है। सप्लायर है सर ये लोग अभी तक तो 3 लोगों का नाम आया है, और अगले दिन के मोबाइल से बहुत सारे क्लू हम लोगों को मिले हैं। इसके सत्यापन के उपरांत और गिरफ्तारियाँ संभव है। सर, लोकसभा चुनाव है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी करने के लिए अभी इस संबंध में हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। अभी जो प्रथम दृष्टिया हमारे अनुसंधान में आया है कि ये लोगों को मोबाइल से लेते थे पैसे और उन्हें होम डिलीवरी करते थे हथियारों की गोली के और हथियारों की। उसी के क्रम में जो हमसे जो सूचना मिली उसके सत्यापन में कार्रवाई की गई। सर, शराब भी सप्लायर थे लोग? जी, अभी जितना इनके घर से बरामद हुई से यही प्रतीत होता है कि शराब की भी सप्लाई करते थे। 3 लोग का आपराधिक इतिहास भी है? सभी 3 का आपराधिक इतिहास है। क्या मंशा थी सर, चूंकि चुनाव नजदीक है जहानाबाद में, क्या उससे भी रिलेटेड है ये हथियार और गोली? इस कांड का मुख्य सरगना जो विक्की कुमार है, उसकी गिरफ्तारी के उपरांत ही सारी चीजें पता चल गई। प्रथम दृष्टिया ये है कि ये पैसे के लिए ये काम कर रहे थे, इसकी गिरफ्तारी के उपरांत ही बाकी तथ्य सामने आए। गाड़ी जो पकड़ा है सर, वो सही है या वही चोरी की वगैरह? इसका पेपर इनके पास उपलब्ध नहीं है, पेपर की मांग की गई है, पेपर अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। आस पास के थानों से इसका सत्यापन कराया जा रहा है। अगर ये चोरी की होगी तो उसमें भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।